What's up guys, welcome to my vlog and आप जैसे मेरे background में देख सकते हैं मेरी beautiful माँ थे। ये देखिए सारा घर फैला पड़ा है। हर माँ का यही कहना है कि फैला हुआ घर है, तुम्हें होश नहीं रहते हैं, तुम कैसे भी वीडियो बना लेते हो। खासकर मेरी माँ का तो यही कहना है क्योंकि शी इज़ वेरी वेरी पर्टिकुलर वेन इट कम्स टू होम एंड एनी वेज खुद की हालत के लिए भी। और हमेशा मुझे बोलती रहती हैं कि भाई हालत ठीक रखा कर, तू कैसे भी बना लेती यार, आपको तो पता ही है कि मैंने बहुत बड़ा काफ़ी कुछ चाहा है यार। मैं कुछ भी हो, व्लॉग कैसा भी बनाऊं, कहीं भी चली जाऊं, लेकिन जो बैकग्राउंड म्यूजिक में आवाज आती है, अरे बेटा ये कर देना, ये कभी नहीं जाएगा। बट एनीवेज चलिए मेरे साथ, ये तो चलता रहेगा क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। लेट्स गो। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, आपको बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं। वेट एंड वॉच, कम विद मी। सो गाइस मैं पहुंच गई हूँ जहाँ मुझे आना था एंड बहुत ज्यादा टाइम से डिले था, इतना ज्यादा डिले था मैं बता नहीं सकती। चलिए अंदर मेरे साथ, मैं कहाँ आई हूँ। मैं आ गई हूँ हेयर सलोन में, मैं आ गई हूँ हेयर सलोन में एंड हियर इट इज। इस इंसान के चक्कर में मैंने कितना वेट किया। कितने टाइम बाद हेयर कट ले रही हूँ मैं? आफ्टर 2 to 3 years आई थिंक। नो नो, लास्ट टाइम अफसाना के साथ लिया था, एक साल हो गया लास्ट बिग बॉस के वक्त। क्या वॉल्यूम ज्यादा जरूरी है और उसके बाद फिर मेरे बारी है। आपको क्या लगता है मुझे क्या हेयर कट करना चाहिए, दिखाऊं आपको? हेयर कट करना चाहिए भाई साहब जैसे, समझ नहीं आ रही है लड़की है या लड़का। वाओ क्यूट मम्मी, ये क्या है, ये कौन मास्टर जी है? ओ हाँ नाइस, इनके सिर पे बाल है यार। सोचो ऐसे ऐसे लोगों के सिर पे बाल होते हैं। ऐसे ही कुछ मुझे चाहिए अपने बाल, नाइस हेल्दी। सो यहाँ चल रहा है वॉश, अभी देखते हैं क्या क्या लुक आने वाला है। क्या सोचते हो मम्मा, कैसे आपको लुक मिलेगा? एक्साइटेड सी न्यू अवतार। चलिए आई एम होपिंग ही विल डू वंडर्स, इसलिए मैं एक साल बाद आई हूँ। एक साल बाद अपने बाल कौन कटाता है भाई? 6 सितंबर 2021 से अभी। चलिए फैंटास्टिक। गाइस मेरा तो हेयर वॉश हो चुका है और मम्मी को मिल चुका है नया हेयर कट। कहाँ है मम्मी, ये देखिए। कैसा लगा आपको नया हेयर कट? अच्छा लगा नाइस, मेरे को भी अच्छा लगा। ये है मम्मी का हेयर कट,
वेरी नाइस. हमें बालों में देनी थी वॉल्यूम और मेरी हालत देखिए, हमें बालों में देनी थी मम्मी की वॉल्यूम और वॉल्यूम मिल चुकी है एंड लुक्स प्रिटी नाउ ब्यूटीफुल. सो गाइस लेट्स सी अब मेरा क्या नया रूप निकल के आता है इसके बाद. Enjoy my new haircut. Guys, here is my new look. I just got little bit volume in my hair because I was bored with my hair. कोई ज़्यादा change नहीं, but slight change. I don't know आपको कैसा लगेगा, ज़्यादा change लगेगा या नहीं लगेगा. But this is it. I'm pretty happy with my hair, यार. Finally, you can look back. Actually, मुझे भी दिख रहा है पीछे से बाल. Not bad. Not bad. I wanted volume and I got volume. Nice. So finally, मम्मी का भी हेयर कट हो गया है. हाय हाय. देखो माँ बेटी मतलब फुल ऑन हेयर कट में. मम्मी आपने तो बाल बिगाड़ लिया, अच्छा खासा सेट किए थे. बिगाड़ने वालों कोई बात नहीं, मैं अपने तरीके से आपको दोबारा आपके बालों की सेटिंग करूँगी. बट आई एम हैप्पी विथ माई हेयर. नाइस गुड वॉल्यूम. Isn't it? Nice. I liked it. So guys, अब मैं घर वापस आ गई हूँ and I have to do my dubbing. मेरा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आप सबको मैंने बताया है लेकिन क्लियरली नहीं बताया, जिसके बारे में जल्दी बताने वाली हूँ, तो उसकी मैं डबिंग कर रही हूँ. बिकॉज मैंने ऑलरेडी शूट करना शुरू कर दिया है उसके बारे में. कितना शोर मचाते हैं यार, इस वजह से लगता है कि मैं कहाँ मतलब अपना व्लॉग बना रही हूँ. पीछे से चक्कर 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 चक जा, तो आप अंडरस्टैंड करते ही है ना, घर में ये चीज़ होंगी, इधर से कोई बोल रहा है उधर से कोई बोल रहा है. बट एनी वेज आप मेरी आवाज़ अच्छे से सुन सकते हैं, यही बहुत बड़ी बात है. सो मैं अब करने वाली हूँ डबिंग की तैयारी. So I'm gonna call that person who's waiting for me downstairs. मेरे लिए he's waiting ताकि मैं अपनी dubbing finish कर सकूँ. So guys, आपको दिखाती हूँ, चलिए in some time. On dubbing time. And अगर आप घर में dubbing करते हैं तो ऐसे होते हैं. तो अगर आप घर में dubbing करते हैं तो इस तरीके से करें. सॉरी मैं आपको दूसरे सब कुछ दिखा रही हूँ बिकॉज आपको पता चल जाएगा ये किस चीज़ के लिए है. मैं जल्दी रिवील कर दूँगी बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस न्यू कैरेक्टर विच आई एम प्लेइंग इन दिस सीरीज. सी या मैं डबिंग कर लेती हूँ, थोड़ा टाइम मुझे भी चाहिए ना अपने लिए, है ना.